नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारक ताजमहल की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की अमर प्रेम की। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनके प्रेम की याद में एक भव्य मकबरा बनाने का निश्चय किया। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन कारीगरों और वास्तुकारों को बुलाया और 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, पर्शियन और इस्लामिक शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सफेद संगमरमर से बने इस मकबरे की सुंदरता देखते ही बनती है। इसके निर्माण में 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने योगदान दिया और यह कार्य लगभग 22 वर्षों में पूर्ण हुआ। ताजमहल न केवल एक प्रेम स्मारक है, बल्कि यह उस युग की समृद्धि और कला का प्रतीक भी है। इसके चारों ओर के बाग और पानी के फव्वारे इस मकबरे की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। कई मिथक और कहानियां भी ताजमहल से जुड़ी हैं, जिनमें से एक है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे फिर कभी ऐसा अद्वितीय निर्माण न कर सकें। हालांकि इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं करते। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। आज यह प्रेम का प्रतीक बनकर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल न केवल भारत की पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल की कहानी, एक प्रेम की गाथा जो सदियों से दिलों को छू रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।